हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैज़ है और मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ। मेरा चैनल है हेल्थिफाई। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत इंटरेस्टिंग वेट लॉस टिप, हेल्थ फिटनेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और बहुत कुछ। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी मिली है कि मैं इस पर बात करूँ। सो आज का टॉपिक है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। कैलोरीज जो हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं, हमें कैलोरीज की ज़रूरत है। मेल में कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है एक ऑन एन एवरेज इज 2200 टू 3000 कैलोरीज, और एक फीमेल को जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है इट्स 1600 टू 2200 कैलोरीज। नाउ ये एक एवरेज एस्टिमेट है। कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आपकी एज, आपकी बॉडी वेट, आपकी हाइट, आपका लाइफस्टाइल, इससे बहुत फ़र्क हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलोरी रिक्वायरमेंट एक 20s टू 30 ईयर की एज में बहुत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू 40 टू 50। इसी तरह अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो आज के टॉपिक में मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करूँगी कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए टू मेंटेन योर वेट और टू लूज़ योर वेट। कैलोरीज इन कैलोरीज आउट सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इतना सिंपल होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक प्लेट चिकन बिरयानी खाई, उसमें 500 से 600 कैलोरीज होती हैं, और उसको बर्न करने के लिए वी नीड 1 hour 45 minutes ऑफ विगरस वॉक। मेरे पास ये चार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगी। अगर आपने चॉकलेट बार खाया है जिसमें 230 टू 400 कैलोरीज होती हैं, उसको बर्न करने के लिए 42 मिनट्स की विगरस वॉक या फिर 20 मिनट्स की रनिंग। इसी तरह सैंडविच है, चिकन सैंडविच या कोई भी ऐसा सैंडविच जिसमें चीज़ या ड्रेसिंग होगी, 445 कैलोरीज, उसको बर्न करने के लिए 1 hour 20 minutes की विगरस वॉक या 42 मिनट्स की रनिंग। चीज़ केक बहुत मज़ेदार होता है लेकिन उसमें 600 से 700 कैलोरीज होती हैं, उसको बर्न करने के लिए 2 hours विगरस वॉक या फिर आपको 1 hour की रनिंग करनी होगी। सो ये कुछ एग्जांपल हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी कि क्या कैलोरीज कितनी चीज़ों में होती हैं, उसको बर्न कर कितना हमें एक्सरसाइज चाहिए। तो याद रखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इट्स 80-20%, 80% इज़ योर डाइट, 20% इज़ योर एक्सरसाइज। हम सारा दिन भाग तो सकते नहीं हैं, लेकिन जिस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कैलोरी इनटेक यानी फूड इनटेक। सो अगर वेट कम करना है तो क्या एकदम लो कैलोरी डाइट पे चले जाएं, कैलोरीज कम कर दें? आई डोंट थिंक सो। बहुत से मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि हमें 1000 कैलोरी डाइट बताएं, 1200 कैलोरी डाइट बताएं, 1500 कैलोरी डाइट बताएं। आई वुड नॉट रेकमेंड दैट, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म डाइट्स हैं, इससे आगे जाके वेट बढ़ भी सकता है और दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और इसकी रिकमेंडेशन आपको कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर आपका डॉक्टर देगा। तो कोशिश करें लाइफस्टाइल चेंज पे जाएं। एक सिंपल फार्मूला है कि 1 calorie इज 3500 pounds। तो अगर आप अपनी डाइट पे रोज़ 500 से 600, 800 कैलोरीज कम करेंगे तो आप हर हफ्ते 1 pound लूज कर सकते हैं, विच इज़ अ हेल्दी वेट लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दो ब्रेड स्लाइस से एक ब्रेड स्लाइस पे आ जाएं, सो यू आर कटिंग 50 कैलोरीज। इसी तरह फुल प्लेट राइस के बजाय आप हाफ प्लेट राइस ले लें, सो यू कटिंग अराउंड 120 टू 150 कैलोरीज। इसी तरह रात को अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी पे आ जाएं, यू कटिंग 100 कैलोरीज। ये सिंपल, ये यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज़ अराउंड 300 to 400 कैलोरीज लेस। एम्प्टी कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिएंट डेंस फूड या गुड कैलोरीज वर्सेस बैड कैलोरीज। कैलोरीज इनटेक में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैलोरीज किस चीज़ से ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक हैंडफुल ऑफ एलमंड्स लिए हैं, बादाम, उसमें 231 कैलोरीज हैं लेकिन इट्स फुल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। उसी की जगह आपने हैंडफुल ऑफ गमीज़ या कैंडीज़ ले ली, उसमें सिर्फ शुगर है, इट्स एम्प्टी कैलोरीज। जो बादाम है वो आपको न्यूट्रिएंट्स भी देंगे और आपको आगे भूख भी कम लगेगी, लेकिन अगर आप कैंडीज़ खा रहे होंगे उसके बाद आपको दोबारा भूख लगेगी।
इसी तरह आप अगर हाफ कप फ्रूट सैलड लेते हैं, इट्स मच बेटर बिकॉज उसमें आपको फाइबर भी मिल रहे हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। लेकिन उसी की जगह आपने कोई केक स्लाइस, हाफ केक स्लाइस खा लिया तो उसमें सिर्फ शुगर मिल रहा है। तो ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी कैलोरीज किस सोर्स से ले रहे हैं। एम्प्टी कैलोरीज आर ऑल प्रोसेस्ड फूड और ऑल शुगरी आइटम्स और ऑल केक, बिस्किट्स, कुकीज़, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड। उसके कंपेयर टू दैट आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले सकते हैं विच इज़ ऑल वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, फ्रूट्स, आपके योगर्ट, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको अपनी कैलोरीज काउंटिंग करनी है तो बहुत से ऐप्स आजकल हैं जो आप कैलोरी काउंट कर सकते हैं। वो आपको आपकी एज, हाइट, लाइफस्टाइल के लिहाज से आपको बता देंगे कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अगर पता चल जाता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए फॉर द होल डे, वो कैलरीज को लेने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मॉनिटर करें, जैसे कि आप फूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं। याद रखें ये आपके हाथ में है कि आप अपना फूड इनटेक कैसे कंट्रोल करें। वो कहते हैं ना कि एवरी बाइट मैटर्स। याद रखें अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए चाहिए थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा सेक्रीफाइस और अबव ऑल स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। बाय बाय।